Hey guys, this is Monica and you are watching me on Film Beat. Well, दोस्तों कोरोना की फेक न्यूज अभी तक खत्म नहीं हुई कि अब बॉलीवुड में कास्टिंग की फेक न्यूज घूमना चालू हो गई है। जी हाँ, और ये बात पहुंची खिलाड़ी के कानों में। जी हाँ, बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार, जब उनको पता चला कि फिलहाल का सीक्वल आ रहा है, पार्ट टू हो रहा है, उसकी कास्टिंग हो रही है, तो वो रह नहीं गए। उन्होंने ऑफिशियली ट्वीट करके लोगों को बताया कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ना ही कोई कास्टिंग हो रही है, ना ही फिलहाल का सेकेंड पार्ट आ रहा है। एंड इसके ऊपर उन्होंने उन सारे लोगों को टैग किया जो ऑफिशियली पार्ट वन में इन्वॉल्व थे। जी हाँ, पार्ट वन में मैं आपको बता दूँ कि बी प्रांग को एक अलग रिकग्निशन मिली, एंड इसके साथ नूपुर सैनन, जी हाँ, जो कृति सैनन की बहन है, उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया फिल्म सिंगल अक्षय कुमार के साथ फिलहाल गाने में, जो लोगों को बहुत पसंद आया। एंड उसके बाद उसकी लिरिक्स लोगों को बहुत पसंद आई, एंड लोगों ने इस गाने को ना जाने कितने बार सुना। लेकिन उसकी सक्सेस के बाद अब फेक न्यूज़ ये अलर्ट हो रही है कि सेकंड सीक्वल आ रहा है, सेकंड पार्ट आ रहा है, एंड जिसके लिए कास्टिंग चल रही है। तो अक्षय कुमार ने रहा नहीं गया, फेक न्यूज़ और फेक चीज़ों को वो डेफिनेटली एंटरटेन नहीं करते, और उन्होंने डायरेक्टली ट्वीट किया, और ट्वीट करके उन्होंने यही कहा कि कोरोना से अभी फेक न्यूज़ ख़त्म नहीं हुआ, कि फेक कास्टिंग की बात हो रही है बॉलीवुड में, तो गाइस इससे अलर्ट रहो, और ऐसा कोई कास्टिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक फिलहाल का सीक्वल का अभी तक ना लिरिक्स डिसाइड हुआ है, ना सेकंड पार्ट आ रहा है, ये डिसाइड हुआ है, और अभी तक कुछ नहीं हुआ, सो कास्टिंग तो दूर दूर की बात है। तो इससे अक्षय कुमार ने एक चीज़ तो क्लियर कर दी कि फिलहाल का कोई सीक्वल नहीं है। लेकिन गाइस, आप लोग मुझे बताओ कि अगर फिलहाल का सीक्वल बनता है तो आप लोग अक्षय कुमार के साथ पार्ट टू में आप कौन सी सेलिब्रिटी को देखना चाहते हैं? आपके जो भी ओपिनियन है या फिर आपके जो भी थॉट्स हैं, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और सारी अपडेट्स के लिए देखते रहो सिर्फ और सिर्फ।